तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ आज एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। ये देखें आप, ये देखें माशाल्लाह से हमारे पिजन्स ने एग्स दे दिए हैं यहाँ पे, और हमारा ये फर्स्ट टाइम हो रहा है यहाँ पे। ये देखें आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, ये देखें एक एग्स नज़र आ रहा है, बाकी अभी पता नहीं है कि कितने दिए हुए। और इसका जो नर है, ये जो सबसे पहले हम पेयर लेके आए थे ये वो वाला है, ये वाला नर लेके आया हूँ इसके साथ, क्योंकि लक्की का जो है ना नर नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मुझे, तो मैं ये वाला नर इसके साथ लेके आया हूँ। तो इनके जो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का हमारी वीडियो बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दो दो गुड न्यूज़ हैं, और जो हम काफ़ी दिनों बाद जो है ना व्लॉग बना रहे हैं उसके अंदर हमें जो गुड न्यूज़ मिली है इंशाल्लाह, इस वजह से जो है ना अपना व्लॉग बना रहे हैं। तो आज हमारी गुड न्यूज़ ये है कि सबसे पहले हमारे पिजन्स ने एग्स देना शुरू कर दिए। तो एक जो फर्स्ट टाइम जो सबसे पहले पिजन्स का पेयर ले गए थे उसने एग्स देना शुरू कर दिए, और उसके साथ साथ जो हमारा दूसरा पिजन्स था उसका एक दूसरा नर जो था वो मर चुका था, आप लोगों को मैंने वीडियो में दिखाया था, तो उसके लिए भी हम लोग नर लेके आ चुके हैं, मतलब उसका भी पेयर कम्प्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपना जो पेयर हमने कंप्लीट किया है, मतलब जो उसके साथ नर लेके आए हैं वो दिखाता हूँ, और बहुत ही खूबसूरत है, और उसके साथ साथ एग दिखाता हूँ और अपने सेटअप को इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और आइए चलिए हमारे साथ। तो ये देखिए, तो सबसे पहले मैं जो है ना ये वाला नर लेके आया हूँ इसके साथ, क्योंकि लक्के का जो है ना नर नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मुझे, तो मैं ये वाला नर इसके साथ लेके आया हूँ। तो इनके जो बच्चे होंगे बहुत खूबसूरत होंगे, क्योंकि वाइट और ब्लैक मिक्स है और ये बिल्कुल वाइट है, तो ये जो इनके जो बच्चे आएंगे ना बहुत ही कमाल के आएंगे। तो जो ये देख के ना इंशाल्लाह ये लोग, ये चीज़ भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा किसके बच्चे किस तरह किस कलर के आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में ही एग्स देना शुरू कर देंगे। और उसके साथ साथ अपना ये वाला मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो इसने भी एग्स देना शुरू कर दिए हैं, और माशाल्लाह से अभी इसका मुझे आइडिया नहीं है ये कितने दिनों में बच्चे निकालते हैं, आप लोगों को पता होगा जिस भाई ने भी पाले हुए हैं। तो कुछ हुआ ये क्यों है कि कल मैं आया हूँ जैसे ही, तो मैंने देखा है माशाल्लाह इतनी खुशी हुई है मुझे, इतनी खुशी हुई है ये देखे, क्योंकि हमारे सेटअप पे कामयाबी का पहला ही ये हुआ है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ वो करते हो तो फर्स्ट टाइम जिस चीज़ के एग्स आएँ या मतलब चिक्स निकले तो बहुत खुशी होती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कल ये सब देख के, तो कल शाम को ही मैं जो है ना इसका पेयर भी ले आया मैंने वाला, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा अकेला था, इसको मैंने जो है ना इनके साथ छोड़ा हुआ था यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ना ये बेचारा अकेला बैठा रहता था। तो अभी हमने करना यूँ है, उसका जो हमने दो कटोरे रखे हुए थे वहाँ से हमने एक पेयर हटा दिया, तो हम लोग जो है ना एक कटोरा हटा के यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि इन्होंने भी एग्स देने हैं। तो आइए इनका एक कटोरा निकालते हैं। ये देखो दोस्तों, ये वाला कटोरा जो है ना इनका बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, तो ये हम लोग हटा के ना उनके पास रख देंगे ताकि वो इसमें एग्स दे चुके, और इसका जो है ना ये वाला ये इसमें बैठी रहेगी और यहाँ पर एग्स देगी। अभी इसको जो है ना हम लोग अपने इस काले पेयर के पास रख देंगे ताकि ये भी जल्दी से एग्स दे सके। ये लोग आ जाओ, ये हो गया इनका, सही है, ज़बरदस्त हो गया यहाँ पे, और अभी इनको देखेंगे कि कितने टाइम के अंदर ये एग्स देते हैं। तो उसके साथ साथ इंशाल्लाह और भी हम लेके आएंगे ज़रूर, क्योंकि अभी ये इनके केज बड़े बड़े हैं, इनके खाने बहुत बड़े हैं, इनके इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं और इसके अंदर भी। तो यार मेरे ये जो बदमाश है ना, इसका जो है ना एक पाँव सूजा हुआ है, समझ नहीं आ रही इसको क्या हुआ है। पहले मैं ये सोच रहा था कि ये देखें, ये आप लोग देख रहे हैं, ये देखें इसके पाँव देखें थोड़े सूजे हुए लग रहे हैं। पहले मैं ये सोच रहा था शायद ये मिट्टी की वजह से होता है, तो मैंने मिट्टी वाले खाने में भी इसको नहीं रखा, तो मैंने इसको खाली खाने में रखा ताकि इसके पंख सेट हो जाए, लेकिन फिर भी सेट नहीं हो रहे, पता नहीं क्या वजह हो रही है, चलो अल्लाह तक गएगा। तो उसके साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपना ये वाला चिक्स, इसको देख के बहुत खुशी होती है, क्योंकि आपको पता है कलर वाले चिक्स ना बिल्कुल भी नहीं बचते, और माशाल्लाह इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा है यार, जैसे नॉर्मल देसी चूज़ा होता है ना उससे कहीं ज़्यादा है। और ये जो हम लोग लेके आए थे उसमें से एक यही बचा था, और माशाल्लाह ये जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है, और बहुत वेट में भी जो है ना, ये तो गोश वाले होते हैं, ये वेट में ज़्यादा ही होगा तकरीबन, और ये हर वक्त जो है ना ऐसे चूँ चूँ करता रहेगा, और इसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। अभी जैसे खाना डालेंगे ना यहाँ पे फौरन जो है ना इस कटोरे के ऊपर खड़ा होकर बीच में खड़ा होकर ना खाना शुरू कर देगा,
तो अभी इनको दाना पानी डालते हैं क्योंकि आज थोड़ी देर भी हो चुकी है। तो ये चेक करें भाई, हमारे कोको ने आज आवाज़ लगाना भी शुरू कर दी माशाल्लाह। ये मेरे ख्याल से नर है। तो इसके साथ साथ अभी इनको दाना डालते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है और इनको अभी तक दाना नहीं डाला हमने। और हमारा पायलट भी जो है ना बड़ा भूख लग रही है अभी, ये देखें पानी पी रहा है। तो वहाँ इसको पानी भी डालते हैं और उसके साथ साथ इसको दाना भी डालते हैं। तो तब तक हमारे साथ रहिए। तो दोस्तों मैंने सबको जो है ना दाना पानी दे दिया है और ये देखें सब जो है ना हमारे बर्ड जो है ना बिल्कुल सुकून से खड़े हैं और सबको जो है ना बहुत सारा दाना और वो डाल दिया ताकि, और आजकल जो है ना गर्मियाँ हो रही हैं यहाँ पे, ये बहुत प्यास लग रही है। अभी जैसे ही इनको दाना पानी डालोगे ना तो सबसे पहले ये जो है ना दाने को छोड़ के पानी पियेंगे क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है। तो इस वजह से मैं अभी कोशिश करता हूँ मेरा कोई जो है ना बीच में कोई दिन जो है ना छूटे नहीं, क्योंकि एक दिन गैप आ जाए ना तो पानी ख़त्म हो जाता है तो ये फिर जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले फिर इनको पानी डालना पड़ता है क्योंकि गर्मी होती है काफ़ी ज़्यादा। तो एक चीज़ तो हम लोग भूल ही चुके हैं जो आप लोगों को अभी तक याद नहीं है, आप लोगों को याद है तो हमने अपना ईगल देखना है, हमारा ईगल किस तरह का है। तो कहाँ है हमारा ईगल, तो आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमारा ईगल कहाँ है। ये है भाई हमारा ईगल और ये जो है ना बहुत बड़ा हो चुका है माशाल्लाह। और अभी ये जो है ना यहाँ पे उड़ के जो है ना ऊपर छत तक जाता है, तो मैंने एक दो दफ़ा ट्राई किया है तो ये माशाल्लाह बड़ा हो चुका है। और अब जो है ना इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर हम इसको आज़ाद करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह इसको बाहर निकालेंगे और इसको आज़ाद करेंगे और इसको उड़ा देंगे यहाँ पे। तो क्योंकि ये जो है ना डिस्टर्ब रहता है यहाँ पे थोड़ा, और ये ऐसे ही बैठा रहेगा बस चुप करके, इसको दो गोश्त वगैरह दे देंगे तो ये थोड़ा सा खा लेगा, बाकी इसकी एक्टिविटी कोई भी नहीं है। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि जब ये आया था तो बिल्कुल ऐसे सीधा पड़ा रहता था जैसे इसकी कमर टूटी हुई होती है। तो मुझे एक दोस्त ने बोला था, बोला इसकी कमर टूटी हुई है, तो लेकिन नहीं बिल्कुल सेट हो चुका है, अभी ये सीधा भी बैठ सकता है ये देखें। उसके साथ साथ आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह कुछ नया लेके आएंगे ज़रूर, तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो आज की वीडियो हमारी अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और उसके साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक शेयर और जो जो भी करना है कमेंट भी ज़रूर करें। और आज के लिए हम चाहेंगे आपसे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।